गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन पेपर में मैंने एक बहुत शानदार वाला पैटर्न रखा है। इसमें दो पैटर्न्स मिक्स किए गए हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, पैटर्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को। फॉर ईच क्वेश्चन इज गिवन ए सेंटेंस और ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज। हर क्वेश्चन के लिए एक सेंटेंस और या फिर ग्रुप ऑफ सेंटेंस, मतलब कई सारे सेंटेंस दिए गए हैं, विद फोर हाईलाइटेड वर्ड्स एंड ए ब्लैंक। क्या किसके साथ? उसमें फोर तो हाईलाइटेड वर्ड है और एक क्या है, ब्लैंक दिया गया है, ठीक है? मतलब फिलर और वर्ड की फॉर्म में कोई कॉम्बिनेशन करके कोई पैटर्न बनाया गया है। अमंग द फोर हाईलाइटेड वर्ड्स टू वर्ड्स नीड्स टू बी इंटरचेंज्ड। मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड है फोर, उनमें से दो वर्ड को क्या है आवश्यकता है क्या करने की, इंटरचेंज करने की, टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। सेंटेंस को क्या करने के लिए, ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअल वे में सही बनाने के लिए। Choose the option which mentions the correct interchange along with the correct word which could fill the blank, which could fill the blank। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे करना है अपने को, choose करना है option को which mentions the correct interchange, correct interchange को बताता है और साथ में क्या बताता है, correct word को भी बताता है जो कि क्या है, blank को fill कर सकता है। तो ये बात इसने बोली है। तो अपने start करते हैं first question को, तो देख लेते हैं एक बार इसे यहाँ पे करना क्या है। देखो बाय चांस कई बार क्या होता है कि अपने इंस्ट्रक्शन से समझ में नहीं आता कि अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? मतलब उस क्वेश्चन का पता नहीं है अपने को क्या करना है, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाते अपने। तो आप क्या क्या करो, ऑप्शन का सहारा ले लिया करो, ऑप्शन भी आपको क्या कर देगा वहाँ पर चीज़ें क्लियर कर देगा। इसमें लिखा है टू थ्री और यहाँ ऊपर दिया हुआ है ना ये वर्ड्स के बाद में ये वन टू थ्री, इनको क्या किया गया है, नंबरिंग दी गई है वर्ड्स को जो हाईलाइट किए गए आपके, बोल्ड किए गए उनको। तो टू थ्री का मतलब क्या होगा, टू थ्री इसका मतलब टू थ्री को, अब उसने इंटरचेंज का बोला था ना, इसका मतलब थ्री की जगह टू और टू की जगह थ्री रख कर देखना है कि सेंटेंस सही बन रहेगा। मतलब ये जो रखे गए हैं ना वर्ड्स, ये क्या कर दिए गए हैं, यहाँ से सफल कर दिए गए हैं, किसी वर्ड को उठाकर कहीं और रख दिया गया, आपस में इंटरचेंज कर दिया पहले उसने एग्जामिनर ने, आपको सही तरीके से वापस से रीअरेंज करना है उनको, ये चीज़ उसने पूछी है। और इस पैटर्न में, ये पैटर्न अपना आता है एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। कौन से वाला पैटर्न आया हुआ एग्जाम के अंदर अपना, एग्जाम के अंदर ये जो आपका वन फोर, ठीक है, यहाँ वन फोर तो नहीं है इसके अंदर, जैसे इसने दे रखा ये वर्ड वगैरह इंटरचेंज वाला क्या आया हुआ है, वर्ड रिप्लेसमेंट वाला अपना क्या आया हुआ है पैटर्न एग्जाम के अंदर क्या है आया हुआ है, ठीक है? और इसमें साथ में उसने क्या दिया, एक ब्लैंक भी दिया है। तो ए ऑप्शन में क्या है, टू थ्री में इंटरचेंज है और जो आपका क्या है या ऑप्शन में बिट्रेड आएगा, इस तरीके से इसने बात किया। मतलब क्या निकला यहाँ पे, टू पैटर्न को क्या किया गया है, मिक्स किया गया। तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मेंस में ऐसे काम किए जाते हैं, हो सकता है प्री में भी आ जाए, लेकिन मेंस के लिए तो बहुत शानदार वाला पैटर्न है ये, क्योंकि है ना ये जो पैटर्न अपने देख रहे हैं जो आपका इंटरचेंज वाला है, वर्ड रिप्लेसमेंट वाला है, ये तो आया हुआ है और फिलर्स वाला भी अलग से आया हुआ है, ये दोनों अलग अलग से आए हुए। अब इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब अपने ये हो जाएगी गड़बड़ की, सर दो पैटर्न मिक्स कर दिए तो ये तो क्वेश्चन पेपर अपना क्या हो गया, टफ हो गया। तो टफ नहीं हुआ, इजी हो गया, क्योंकि आपको क्या है कि अगर वर्ड इंटरचेंज से मिल जाए तो वैसे मिल जाएगा, अगर वैसे ना मिले तो क्या करो, फिलर से मिल जाएगा अपने को आंसर। समझ में आ रही चीज़, वैसे नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा अपने को, फिलर से मिल जाएगा। ये चीज़ अपने समझ में आई, मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न क्या हो गया, ईजी हो गया, कि अगर मान लो फिलर्स में अपने को वोकैब ना आती हो तो वर्ड इंटरचेंज, तो अपना शानदार वाला पैटर्न क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है। तो वर्ड इंटरचेंज क्या कर देगा अपने को, जो रिप्लेसमेंट वाला है वो अपने को वहाँ पे हिंट दे देगा और वो वहाँ पे अपने को क्या करवा देगा, सेलेक्ट करवा देगा। ये आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी होगी। अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट और रख लेते हैं कि टू थ्री यहाँ पे, और टू थ्री दूसरे ऑप्शन में और हो, एक में इसमें टू फोर है, वैसे टू थ्री हो तो, और रिप्लेसमेंट भी टू थ्री वाला ही हो, मैन करेक्शन भी, तो अपने क्या करेंगे, फिर अपने को क्या करना है, वोकैब भी चेक करनी पड़ेगी, नहीं तो अपने एक पैटर्न से काम चला देंगे, वर्ड इंटरचेंज वाला, वर्ड रिप्लेसमेंट वाला, वैसे भी अपनों ने पहले कर रखा है, ठीक है, प्रीवियस कोई वीडियो के अंदर कर रखा है अपनों ने, ठीक है, वो इजी भी है अपने लिए, अपनों को वो आता है पैटर्न। समझ में आ रही है चीज़, तो अपने मैक्सिमम कोशिश करेंगे क्या कि वर्ड रिप्लेसमेंट से हो जाए, जहाँ कन्फ्यूजन आएगा वहाँ पे वोकैब को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि वोकैब की यहाँ पे अपने को करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट वोकैब से करने चाहो तो वोकैब से भी कर सकते हो आप, वो भी अपने देख लेंगे। बाय चांस दो वोकैब में कन्फ्यूजन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे अपने, दो वोकैब में जैसे कन्फ्यूजन आएगा तो अपने क्या करेंगे, वर्ड रिप्लेसमेंट वाला साथ में चेक कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें, ब्लैंक और वर्ड रिप्लेसमेंट, ये दोनों पैटर्न की जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक ये चीज़ आपके क्लियर है, समझ में आया?
अब अपने क्या करते हैं, और हो सकता है कई बार क्या हो कि दोनों वो केव आपको कंफ्यूज कर रही हो और ऑप्शन में वर्ड रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन भी दोनों सेम हो, तब अपने क्या कर लेंगे, तब अपने को पता है अपने कंपैरिजन करते हैं, आपस में लड़ा देंगे उन ऑप्शंस को, जैसे ऑप्शंस को लड़ाएंगे जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, समझ में आ रही है चीज़, तो इस तरीके से अपने कर लेंगे। तो रफ करके एक बार इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है इसके अंदर शुरू करो द डॉन टू डस्क, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, डस्क का मतलब गोधूली, शाम का टाइम, सुबह से लेकर शाम तक, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सुबह से शाम वाली ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सुबह से शाम काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, कॉल्ड बाय जो कॉल की गई, कॉल्ड बाय है ना इसका मतलब क्या है, वी थ्री है, ईडी क्लोज है, कॉल्ड बाय द सबरीमाला कर्मा समिति एस के एस, एस के एस के, अब अपने को एस के एस बोलना है ठीक है, या समिति बोल दो, समिति के द्वारा जो सुबह से शाम को होने वाली ऑर्गेनाइजेशन कॉल की गई, मतलब सुबह से शाम तक जो काम करने वाली, यहाँ तो यही होगा सुबह शाम वाली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, कोई संस्था, तो संस्था कैसी होगी आपकी, संस्था सुबह से शाम काम करने वाली होगी ना, एन अम्ब्रेला हड़ताल, जो कि क्या एक अम्ब्रेला हड़ताल है, ये हड़ताल है ना, हड़ताल अपना डायरेक्ट लिया गया है, क्या नाम है ये हड़ताल, जो हड़ताल वगैरह की जाती है ना स्ट्राइक वगैरह, उसको बोलते हैं हिंदी में हड़ताल बोलते हैं उसको, तो लोगों ने उसको क्या किया गया, हड़ताल नाम दिया होगा, इस तरीके से कुछ बोला होगा, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख दिया हड़ताल, क्योंकि हड़ताल हड़ताल लोगों ने बोला हड़ताल, तो लोग जो बोल रहे हैं वो चीज़ उन्होंने डायरेक्ट बोल दी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट थोड़ी करेंगे, नाम है ना ये एक टाइप से, तो नाम की फॉर्म में इसको क्या किया गया है, यहाँ पे लिया गया, और वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप की जो अम्ब्रेला हड़ताल, अम्ब्रेला का मतलब जो मिली जुली हड़ताल है, ठीक है देख लेंगे, इतना सेट तो नहीं हो रहा ना कि सुबह से शाम वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉल की गई सबरीमाला समिति के द्वारा एक अम्ब्रेला हड़ताल है वेरियस ग्रुप की, चलो कोई ना छोड़ो, इतना क्लियर नहीं है, टू प्रोटेस्ट, अब यहाँ पे बात कर क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब आंदोलन करने के लिए, अगेंस्ट द एंट्री ऑफ टू वुमेन, दो वुमेन की एंट्री के खिलाफ, ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव एज की थी, प्रजनन जो आपका काल बोलते हैं अपने, रिप्रोडक्टिव एज होती है आई थिंक 12 ईयर्स से 50 ईयर्स के अराउंड होता है, 12 से 50 साल के बीच का ये टाइम होता है, मतलब वुमेन थी रिप्रोडक्टिव एज की जो प्रजनन वाली होती है, प्रजनन काल वाली, उनकी बात करें मतलब उनको बोलते हैं कि अलाउ नहीं किया जाता इनको मंदिर वगैरह के अंदर, ऐसा कुछ होगा पता नहीं है, अपने एक बार आगे पढ़ते हैं, इनटू द सबरीमाला टेंपल, किस में, सबरीमाला टेंपल में ऑन वेनसडे, वेनसडे को द स्टेट, स्टेट को पता नहीं क्या, ये ब्लैंक दे दिया, अब अपने को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करके देखना है, तो यहाँ ठीक सा लग रहा था लेकिन इंटरचेंज तो करके देखना पड़ेगा, नो करेक्शन तो है ना इसके अंदर, 2-3 को चेक कर दो पहले, 2-3 को चेक करें, तो एन अम्ब्रेला प्रोटेस्ट, एक अम्ब्रेला आंदोलन, ठीक हो सकता है, टू हड़ताल अगेंस्ट, टू हड़ताल तो होगा नहीं क्योंकि हड़ताल एक्शन नहीं है यहाँ पे, हड़ताल नाम है उसका, ठीक है नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, 1-3 को चेक करना, सुबह से शाम वाला प्रोटेस्ट, ठीक है कॉल किया गया मतलब आंदोलन कॉल किया गया किसके द्वारा, सबरीमाला समिति, ये शानदार, ये सही है, एन अम्ब्रेला हड़ताल, एक अम्ब्रेला हड़ताल है, टू ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट, अब दो वुमेन की एंट्री के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका, मतलब कि एक्शन टाइप होना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया है, तो 1-3 भी आपका गलत हो गया, 2-4 को चेक करना, 2-4 को चेक करेंगे, एन अम्ब्रेला वुमेन, एक अम्ब्रेला वुमेन, छातेदार वुमेन, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ये भी अपना गलत हो गया, ठीक है उसके बाद है, 2 हड़ताल नहीं होगा, 2 हड़ताल से होना चाहिए था, 3-4 को चेक करें तो क्या बोलेगा, 2 वुमेन अगेंस्ट द एंट्री ऑफ प्रोटेस्ट, 2 प्रोटेस्ट, 2 प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, टू प्रोटेस्ट से होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए था, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, दो औरतों की, टू वुमेन की तरफ किस एंट्री किसकी हुई, प्रोटेस्ट आंदोलन की एंट्री, कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका, मतलब ये भी गलत, 1-2 को चेक करना, 1-2 में क्या बोला है, द डॉन टू डस्क हड़ताल कॉल्ड बाय, सुबह से शाम वाली हड़ताल जो इस समिति के द्वारा कॉल की गई, ठीक है जो समिति को बताया वो क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक मिली जुली ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में आई चीज, ये वाला आपका सही है, तो ई ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट होगा, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके, अगर आपको यहाँ से देखना है कहाँ से ब्लैंक वाला देखना है, देखो बिट्रेड, बिट्रे किया स्टेट को, अब बिट्रे किया किसने, वी थ्री है या वी टू है, पहले तो मुझे बताओ, अगर अपने हड़ताल को यहाँ पे रख दिया ऊपर वाले में, देखो एक बार हड़ताल नहीं मतलब जो भी आप चीज रखना चाहो, ऑर्गेनाइजेशन को रखेंगे यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बिट्रे किया स्टेट को, तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट अपने ढूंढ लेना, आपको पता है वेनेसडे खा गया, वेनेसडे को ऑन खा गया, सबरीमाला को टेंपल को इनटू खा गया, टू वुमेन पे ऑफ लग गया, एंट्री को अगेंस्ट लग गया, इस तरीके से आप जाओगे ना बैक तो आपको मिलेगा डॉन टू डस्क ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, धोखा दिया स्टेट को,
ठीक है, धोखा दिया इस बात से, मतलब उनको एंटर नहीं करने दिया, तो धोखे वाली तो बात है नहीं, स्टेट को धोखा देने वाले वाले। गैल्वेनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना। तो और कौन आया यहाँ पे, थ्री आया था ना, 1-3 है, तो थ्री हड़ताल ने प्रेरित किया किसको, स्टेट को। तो यहाँ प्रेरणा थोड़ी मिली है, यहाँ जब आप वुमेन को एंट्री नहीं दे रहे इसका मतलब क्या है, यहाँ प्रेरणा नहीं है, नेगेटिव बात है, गलत हो गया। रेप्रिमेंडेड का मतलब डांटा, स्टेट को डांटा किसने, 2-1 ऑर्गेनाइजेशन ने डांटा, स्टेट को नहीं डांट सकते। ठीक, असर्टेड का मतलब जोर दिया, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ही है ऊपर, ठीक है, तो असर्टेड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट जोर दिया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। और क्रिपल्ड का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ था, 1-2 है ना, तो हड़ताल है, जो जो सुबह से शाम वाली जो हड़ताल है उसने स्टेट को क्या कर दिया, अपंग बना दिया। बिल्कुल सही बात है, अपंग बना दिया। अपंग कैसे बना दिया, केरला की बात है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अपने स्टेट है ये आपका, उसकी बात है। और काम देखो उनके कैसे हैं, मतलब वुमेन को क्या नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे एंट्री नहीं करने दी जा रही थी उस टेंपल के अंदर, की वुमेन टेंपल के अंदर अलाउ नहीं है। कौन से वाली, रिप्रोडक्टिव एज वाली, मतलब प्रजनन वाली जो फीमेल होती है ना, वो उसके अंदर अलाउ नहीं है। 12 से 50 ईयर के जो बीच वाली जो लेडीज़ है वो अलाउ नहीं है, ये बोला उन्होंने। लेडीज़ क्यों नहीं अलाउ है भाई, सबका अधिकार बराबर है, भगवान सभी के लिए बराबर होते हैं ना, तो ये बात बोली। इसका मतलब स्टेट को क्या कर दिया, इस हड़ताल ने क्रिपल कर दिया, अपंग बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि इतना शानदार स्टेट होते हुए, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड स्टेट होते हुए, काम उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल गवारों जैसा काम है किया है, समझ में आई चीज़। तो ये बात इसने बात बोली, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करो इसको। ए चाइनीज स्पेस प्रोब, एक चाइनीज स्पेस प्रोब का मतलब स्पेस के अंदर जो प्रोब है जांच करने के लिए, मतलब अपने बोल सकते हो सैटेलाइट का पार्ट बोल सकते हो, सैटेलाइट टाइप बोल सकते हो कुछ भी। ए चाइनीज स्पेस प्रोब अचीवमेंट, स्पेस प्रोब टाइप का जो अचीवमेंट है, क्योंकि नाउन बर्डन पास करते हुए क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी, इस टाइप का जो अचीवमेंट है, डाउन ऑन द फार साइड ऑफ द मून, डाउन जो अचीवमेंट है वो डाउन नीचे, फार साइड ऑफ द मून ऑन थर्सडे, मून की फार साइड पर थर्सडे को, मून की फार साइड पे थर्सडे को। तो यहाँ पे पढ़ना स्पेस प्रोब, चाइनीज स्पेस प्रोब का जो अचीवमेंट है, डाउन मून की फार साइड, मतलब दूर वाली जो हिस्सा है मून का उसके ऊपर थर्सडे को। हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, गड़बड़ सी हो रही है, इसका मतलब क्या, यहाँ गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब वन वाले में क्या है प्रॉब्लम है। अब एक बार आप स्पीड में देख लो इसको, वन वाले को, वन जितनों में दिया है ना उसमें प्रॉब्लम है, तो वन वाले चेक कर लो, टाइम कंज्यूम नहीं होगा अपना। 1-3 को चेक करते हैं, 3 में देखना, ए चाइनीज स्पेस प्रोब टच डाउन, टच डाउन किया किसको, टच डाउन किया किसको, फार साइड ऑफ मून, मून की जो दूर वाली, जो अपने बोलते हैं दूर वाली जो आपकी साइड है, मतलब सतह बोल सकते हो आप, एरिया बोल सकते हो, ठीक है, साइड का मतलब हिस्से को, उसको टच किया, बिल्कुल सही है। 1-2 को चेक करना, ए चाइनीज स्पेस प्रो अचीवमेंट हिस्टोरिक डाउन, ऐतिहासिक डाउन, मून की फार साइड पे ऐतिहासिक डाउन, कोई भी नहीं आ रहा, इसका मतलब गलत है। 1-4 को चेक करना, 1-4 में क्या है, 4 को रखना 1 की जगह। ए चाइनीज स्पेस प्रोब प्रोग्राम डाउन, प्रोग्राम तो हो सकता है स्पेस प्रोग्राम डाउन, मून की फार साइड पे प्रोग्राम डाउन, क्या प्रोग्राम डाउन, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, सेंटेंस ले ही नहीं पा रहा। और टच डाउन वाला चेक करना, मतलब 1-4 भी नहीं है सही आपका, तो टच डाउन वाला क्या बोल रहा है, कि चाइनीज स्पेस प्रोब ने टच डाउन किया, मतलब टच किया वहां पे जाकर, कहां पे जाकर, मून की फार साइड पे, ये सेंटेंस बना रहा है, इसका मतलब क्या, ऑप्शन अपना एक क्लिक हो गया। अब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ना नन ऑफ दीज है, ठीक है, समझ में आया जी, नन ऑफ दीज वगैरह यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब अब कुछ नहीं चेक करना, आपका ऑप्शन एग्जाम में क्या हो गया, क्लिक हो चुका, आंसर आ गया। देखो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा अपने को, समझ गए चीज, इजिली क्लियर है ना ये, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया, ये होती है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ऐसे की जाती है, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है और विद एक्यूरेसी के साथ, ये चीज अपने समझ में आई। अब अपने इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ए चाइनीज स्पेस प्रोब अचीवमेंट डाउन ऑन द फार साइड ऑफ मून, ठीक है, अब यहाँ पे टच डाउन किया फार साइड पे मून की, ठीक है, ये 1-3 को अपने चेक किया। चाइना स्पेस एजेंसी सेड, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसने कहा द इवेंट एज ए हिस्टोरिक, उसने क्या कहा, इवेंट को एक हिस्टोरिक, फर्स्ट पहले हिस्टोरिक बोला, एंड ए मेजर टच, और बाद में टच किया हुआ बोला, फॉर द कंट्री स्पेस प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए टच किया हुआ, टच किया हुआ नहीं बाद में। अब 1-3 को रिप्लेस करोगे तो देखो क्या होगा, चाइनीज स्पेस प्रोब ने टच डाउन किया मून की फार साइड पे, और चाइनीज स्पेस एजेंसी ने बोला इवेंट को पहले हिस्टोरिक बोला, कि पहले तो बोला कि ऐतिहासिक है, एंड ए मेजर
अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया किसके लिए, स्पेस प्रोग्राम के लिए, कंट्री के स्पेस प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल सही है, 1-3 आपका सेट हो गया। डायरेक्ट आपको ब्लैंक से चेक करना है, डायरेक्ट चेक करो, चाइना की स्पेस एजेंसी ने कहा इवेंट को क्या, ऐतिहासिक, जो इवेंट हुआ उसको ऐतिहासिक कहा, फर्स्ट ऐतिहासिक कहा। हैलिंग का मतलब कॉलिंग करते हुए, बोलते हुए, पुकारते हुए, मतलब नाम देते हुए, ऐतिहासिक नाम देते हुए। चाइना की स्पेस एजेंसी ने कहा हैलिंग द इवेंट, इवेंट को क्या करते हुए, नाम देते हुए, पुकारते हुए, पहले ऐतिहासिक, बाद में बड़ा अचीवमेंट बोलते हुए। ठीक है, विंडिकेट का मतलब होता है न्याय सिद्ध करना, जस्टिस करना। तो जस्टिस करते हुए पहले ऐतिहासिक की फॉर्म में, जस्टिस एज ए मतलब उसकी फॉर्म में, ऐतिहासिक की फॉर्म में जस्टिस करते हुए कोई मीनिंग नहीं है। एंजेंडरिंग का मतलब पैदा करते हुए, ऐतिहासिक की फॉर्म में पैदा करते हुए, पैदा करते हुए या बोलते हुए, बोलते हुए ज़्यादा सही है ना, पुकारते हुए ज़्यादा सही है। रीचिंग ऐतिहासिक फॉर्म में पहुंचते हुए, ऐतिहासिक फॉर्म में पहुंचते हुए इवेंट को, गलत हो गया। मिटिगेटिंग, इवेंट को ऐतिहासिक फॉर्म में कम करते हुए, ये भी गलत हो गया। तो डायरेक्ट वोकैब से भी देखोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या होगा, क्लिक होगा। आई थिंक ये आपके क्लियर ना, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। दोनों तरीके से वर्ड रिप्लेसमेंट में तो होगा ही होगा, ये इजी होता है बिल्कुल, वर्ड रिप्लेसमेंट वाला बिल्कुल ईजी होता है, और फिलर्स वाला है आपका, उसमें आपको क्या होनी चाहिए, वोकैब आनी चाहिए। तो विंडिकेटिंग वगैरह ये वोकैब आती है तो ठीक है। अब ये एग्जाम में मान लो ये वाला पैटर्न आ जाए और अपने को ये वोकैब नहीं आती बाई चांस, अपने बोल दें कि सर ये सामने नहीं आई थी हमारे वोकैब, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, सेंस से देखो अपना क्लियर हो गया यहाँ पे। मतलब वोकैब कई तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखकर ऐसे नहीं देखते, प्रॉब्लम को जैसे देखा ऐसे नहीं देखेंगे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें तो ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक देखते ही क्या देखेंगे, ब्लैंक देखते यहाँ पे देखा कि वोकैब, ये तो वोकैब मुझे आती नहीं ऐसी वोकैब, तो जैसे ही आपने ऐसी वोकैब देखी कि आती नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों करूँ, आगे निकल जाते हो। लेकिन ये क्या था, 10 या 20 सेकंड का क्वेश्चन था, आराम से हो जाता टाइम से, यहाँ पे आपके मार्क्स बन जाते, समझ में आ रही चीज़। और ये ऐसा पैटर्न होता है तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, समझ में आ रही है ना चीज़। तो इस तरीके से होता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं इसको, किसको, वोकैब को देखते, ऐसे नहीं देखा, एक बार भी ट्राई नहीं किया इसमें करना क्या है। अगर थोड़ा सा सेंस यूज करते अपना तो पता लग जाता ना, इसमें दो पैटर्न है, किसी भी पैटर्न से हो जाएगा। अब बाद में जब पता लगता है कि हाँ वर्ड रिप्लेसमेंट वाला तो मेरा फेवरेट था सर, पर मैं ना वोकैब के कारण रह गया, तो वोकैब की जरूरत कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे वर्ड रिप्लेसमेंट से हो तो रहा है। तो ये भी एग्जामिनर आपको क्या करता है, चेक करता है, वो कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर देगा वहाँ एग्जाम में। उसने बोला कि मुझे की दे दी मैंने तुझे, अगर तुझे वोकैब नहीं आती तो ऐसे कर सकता है कि, मतलब कोई भी बंदा है वो किसी ना किसी वे में उस चीज़ को समझता है क्या, तो उस तरीके से वो आपको हिंट देता है एग्जाम में, हर क्वेश्चन में आपको हिंट दिया जाता है। आई थिंक आपके ये चीज़ क्लियर है, तो इसलिए एक बार एग्जाम में गो थ्रू कर लिया करो, इंस्ट्रक्शन पढ़कर उसके बाद देख लिया करो, ये पूछना क्या था, सेंसिबल वे में पिक्चर बना कर देखो, ये पूछना क्या चाहता है कि कोई ना कोई वहाँ पे हिंट है क्या कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, वोके मान लो नहीं आती, तो उस तरीके से बाई चांस वोके वे से आनी चाहिए, तो ये हो सकता है किसी ना किसी तरीके सेंसिबल वे में, कई बार एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं, समझ में आ रही है चीज़। इसलिए प्रैक्टिस करो चीज़ों की और ये सेंस अपना चमकाओ, समझ में आ रही है, इसको क्लियर करो, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करो। एवरी डेथ मीन्स लाइफ, हर मौत का मतलब होता है लाइफ, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड, और क्या मतलब होता है सेकंड, हर डेथ, मृत्यु का मतलब होता है जिंदगी। एंड सेकंड, अब सेकंड दूसरा होता है, सेकंड आगे क्या है, सेकंड अगर दूसरा है तो एडजेक्टिव फॉर्म में आगे कुछ है, फॉर उनके लिए, मतलब सेकंड यहां पे दूसरा नहीं है, सेकंड सेकंड हो सकता है, जैसे मिनट वाली सेकंड होता है ना, तो हर मौत का मतलब जिंदगी और मिनट टाइप मतलब समय वाली क्या होती है, सेकंड होती है। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, गलत हो गया। ठीक है, फॉर दोज 15 ट्रैप्ड, किनके लिए, जो 15 वो ट्रैप है, कौन है, माइनर्स, 15 ट्रैप्ड का मतलब फंसे हुए माइनर्स है, उनके लिए। इसका मतलब यहाँ पे हो गई गड़बड़, ये तो अपना सही नहीं होगा। जस्टिस AK सिकरी सेड, किसने कहा, जस्टिस AK सिकरी ने कहा। सिकरी जानते हो ना, सिकरी वो वाली नहीं है, खेत वाली, समझ रहे हैं चीज। यहाँ पे सिकरी नाम है उनका, AK सिकरी सरनेम है उनका। ठीक है, इवन एज, जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया इट्स, हाँ एक्सप्रेस कर सकता है, वहां पे गड़बड़ हो रही थी, कहां पे, सेकंड वाले ऑप्शन में गड़बड़ हो रही थी। एक बार स्पीड में चलकर देख लेते हैं ना कि एवरी डेथ का मतलब क्या होता है, जिंदगी होता है। 2-3 को चेक करना, 2-3 को, एवरी डेथ का मतलब जिंदगी तो होता है लेकिन सेकंड नहीं होता, मौत का मतलब सेकंड टाइम वाली सेकंड नहीं होता, तो चेक कर लेना, 2-3 को चेक करो। एवरी डेथ मीन्स लाइफ एंड एक्सप्रेस्ड, क्या एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड V3 यूज कर लिया, आगे कोई नाउन ही नहीं दिया, एडजेक्टिव अकेला सर्वाइव नहीं करे, उसे नाउन तो चाहिए ना आगे, तो ये भी गलत हो गया।
अब 1-2 को चेक करो, 1-2 को चेक करो, एवरी सेकंड मीन्स लाइफ एंड डेथ, हर सेकंड जो टाइम वाली सेकंड है ना उसका मीनिंग क्या है, जिंदगी और मौत है किसके लिए, जो फंसे हुए माइनर्स है, माइन में काम करने वाले जो फंसे हुए। बिल्कुल सही है, करेक्ट चला गया। उसके बाद में 2 के साथ में कोई और है क्या? 2-4 को चेक कर लो, एवरी डेथ, हर मौत का मतलब जिंदगी, और फ्लडेड है, जल प्लावित है, क्या फ्लडेड, फिर से एडजेक्टिव नाउन नहीं है इसका मतलब, ये भी गलत हो गया। तो अपना कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी अपना टिक हो गया। चेक करने की जरूरत है क्या आगे? सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े सेंटेंस को अपनों ने क्या कर दिया, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कर दिया, और बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दिया। समझ में आई चीज? और ये चीज किससे आएगी? वर्किंग प्लस सेंस से आएगी ये चीजें। समझ में आ रही है ना चीज? इस तरीके से करना है एग्जाम के अंदर, स्पीड आपको ऐसे मिलेगी। आई थिंक ये आपके क्लियर है। तो क्या हुआ, हर सेकंड का मतलब क्या है? जिंदगी और मौत है किसके लिए? जो 15 लोग ट्रैप्ड है कहाँ पे? माइनर्स है, मतलब माइन वगैरह में ट्रैप्ड होंगे, के सिकरी ने कहा। अब आगे पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आपका हो चुका है, आप आगे चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। इवन एज द सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक्सप्रेस किया, इट्स ब्लैंक आएगा अपना क्या एक्सप्रेस किया। अब आप ब्लैंक को भी चेक कर सकते हो, अपना एक्रिमनी, कटुता, तीक्ष्णता, बातों में कटुता होती है ना, उसको हो सकता है विद द ऑन गोइंग ऑपरेशन, किसके साथ? टू रेस्क्यू मैन, लोगों को बचाने का जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है उसके साथ अपनी कटुता, मतलब बोलने में तीक्ष्णता, अपने बोल सकते हैं बिटर मैनर में बोलना, उसको क्या किया उसने? व्यक्त किया, ठीक है। टॉर्पर, अपने आलस, टॉर्पर का मतलब होता है अपने आलस को व्यक्त किया, आलस को थोड़ी व्यक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट। डिसकंटेंट, असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन को क्या किया उसने? एक्सप्रेस किया, बिल्कुल सही है, मतलब असंतुष्ट था सुप्रीम कोर्ट की अभी तक उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। वॉल्युबिलिटी का मतलब धारा परिवाहिता, मतलब बहुत फ्लुएंट वे में बोलना, धारा परिवाहिता, तो अपनी धारा परिवाहिता फ्लुएंट वे में बोलने को बताया। असंतोष ज्यादा सही है ना, क्योंकि अभी तक उनको निकाला नहीं गया, उस तरीके से बात होगी, ठीक है। प्रेसेंस का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान को व्यक्त किया, तो पूर्व ज्ञान के यहाँ पे कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर रहा है, यहाँ तो हो रही है गड़बड़ हो रखी है, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की बात चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? डिसकंटेंट अपना यहाँ क्या है? बेस्ट है, किस वे में? ब्लैंक की वे में। और वैसे तो आपका करेक्ट है ही, क्योंकि 1-2 ही आएगा, वहीं पर चेंज और कहीं चेंज नहीं है। एक बार फ्लडेड वाला और चेक कर लेते हैं कि वो भी सही है क्या। टू रेस्क्यू मैन, लोगों को बचाने के लिए उन आदमियों को फ्रॉम द फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब जो जल प्लावित है, मतलब पानी भरा हुआ है। रेट होल माइन, रेट होल का मतलब छोटे सुराख वाली माइन, माइन का मतलब छोटे मुंह वाली माइन, मतलब संकरी माइन को बोलते हैं, नैरो माइन को, इन मेघालय, मेघालय में। तो रेट फ्लडेड माइन हो सकती है ना, माइन में पानी भरा हुआ हो सकता है ना, तो बिल्कुल सही है ये वाला, तो आपका फ्लडेड तो यहाँ पे क्या है, सही है। कई बार क्या होता है कि 2 या 3 रिप्लेसमेंट भी वर्ड रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में वो दे देता है वर्ड्स, तो वो भी आपको क्या है ऑप्शन में आ जाते हैं, जैसे 2, 3 एंड 1, 4, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, रिप्लेसमेंट होंगे, 2 रिप्लेसमेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे है नहीं अभी पैटर्न, वो जब अपने लेंगे उस पैटर्न को तब वो वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, सेम तरीके से वो होता है। तो मतलब क्या निकला यहाँ पे, बात ये निकली है, बात अब कंप्लीट पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो कि हर सेकंड का मतलब है जिंदगी और मौत किसके लिए, उन फंसे हुए लोगों के लिए। AK सिकरी जो जस्टिस है उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है क्या अपना असंतोष किसके साथ, ऑनगोइंग ऑपरेशन उनको बचाने का फ्लडेड माइन से। असंतोष का मतलब असंतुष्ट है कि अभी तक उनको बचाया क्यों नहीं गया। आई थिंक ये आपके पैटर्न क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, स्टार्ट करो इसको। इंडिया ऑन थर्सडे रिइटरेटेड, रिइटरेट का मतलब दोहराना, वापिस से कहना, इंडिया ने थर्सडे को रिइटरेट किया था, मतलब दोहराया था, दैट कि इट डज नॉट सेंड सोल्जर्स, ये सोल्जर्स को नहीं भेजता अब्रॉड, विदेश में, ठीक है, अब्रॉड का मतलब विदेशों में, दूसरे देशों में नहीं भेजता। अब आप बोलोगे सर इंडिया ऑन थर्सडे रिइटरेटेड बोला है, रिइटरेट का मतलब पास्ट में किया, और यहाँ पे डज नॉट सेंड आ गया, ये प्रेजेंट आ गया, गलत नहीं हो गया सर? रिपोर्टेड स्पीच में तो यही होता है, वहाँ आगे पास्ट हो तो बाद में क्या होता है, पास्ट आता है। किसने बोला भाई पास्ट आता है सर? यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए नहीं आता, लेकिन इसके लिए तो आता है, तो ऐसी बात नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने आपको सिर्फ क्या सिखा रखा है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो चाहे कुछ भी हो, अपने को वर्किंग आती है ना, सेंटेंस की वर्किंग क्या होती है आपको चेक करना है, मॉडल की वर्किंग क्या होती है वो अपनी बात के अकॉर्डिंग आएगा। डज नॉट आया इसका मतलब फिक्स है, और रिइटरेटेड का मतलब एक बार हुआ है, पास्ट में हुआ है, तो पास्ट में तो उन्होंने बात दोहराई थी, और डज नॉट सेंड सोल्जर नहीं भेजता, ये इंडिया की क्वालिटी है कि इंडिया कभी भी विदेश में अपने दूसरे देशों में सोल्जर्स नहीं भेजता, अपनी सेना को दूसरे देशों में इंडिया कभी नहीं भेजता। समझ आई चीज? उस बात को बताया, तो मतलब ये इंडिया क्वालिटी है कि इंडिया नहीं भेजता, उस क्वालिटी को अभी भी इंडिया की यही क्वालिटी है ना,
मतलब इस प्रेजेंट टाइम में तो फिक्स है ना ये बात, ये बात फिक्स है। इस फिक्स बात को उन्होंने क्या बोला था, इंडिया ने पास्ट में बोला था, तो क्या दिक्कत है भाई, ये सही तो जा रहा है। आपको पिक्चर बनानी है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं रटना कि वहाँ पास्ट आएगा तो इधर भी पास्ट आएगा, ऐसे नहीं रटना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ माइंड के अंदर पिक्चर बनानी है कि ये बात कैसे कर रहा है, कैसे आपको एलिमेंट की वर्किंग आती है पिक्चर बनी, कैसे कि डज की वर्किंग क्या होती है फिक्स को बताना। तो मतलब क्या है, इंडिया नहीं भेजता, मतलब इंडिया इक्वालिटी है, फिक्स या क्वालिटी को बताता है। और रिइटरेटेड का मतलब डिड, रिइटरेट हो गया मतलब कहा था, बताया था, तो बताया था इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये पास्ट में कोई बात हुई है। तो आपको डिड की बात हुई है, इसका मतलब क्या है, पुरानी कोई एक्टिविटी है, समझ में आ जी। इन दोनों को आप कनेक्ट, बात आपको क्या करना है, सेंटेंस देखकर उसके मीनिंग को पढ़ना है, खुद का दिमाग फालतू मत लगाना, मतलब दिमाग तो लगाना है ठीक है, मतलब फालतू वे में मत लगाना रूल्स की वे में, समझ में आ रही चीज़। बस आप क्या करो, सेंटेंस को पढ़ लो, उसका मीनिंग ले लो। अगर सेंटेंस का मीनिंग सही आ रहा है, पिक्चर माइंड में बन रही है तो सही है, अगर माइंड में पिक्चर नहीं बन रही, धुंधलापन आ रहा है तो गलत है। अगर माइंड में पिक्चर बन जाती है, इसका मतलब वो सही। आपको माइंड में पिक्चर बनानी है, सेंटेंस को समझना है बस, ठीक है। सेंटेंस समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और कुछ से नहीं रटना रूल्स वगैरह, ठीक है। वर्किंग याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने बात करें कि इंडिया कभी भी अपने सोल्जर्स, इंडिया अपने सोल्जर्स को नहीं भेजता, इस बात को उन्होंने दोहराया था, जो नहीं भेजता ये बात है ना, इंडिया की क्वालिटी है, उसको उसने दोहराया था, अब्रॉड में नहीं भेजता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंड किसको करेगा, सोल्जर्स को ही करेगा। बट फॉर यूएन सपोर्टेड पीस कीपिंग सोर्सेज, लेकिन किसके लिए, यूएन सपोर्टेड, ये कॉन्ट्रेरी दिए यहाँ पे, यूएन सपोर्टेड पीस कीपिंग, शांति स्थापित करने वाले सोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे यूएन सपोर्टेड पीस कीपिंग, शांति स्थापित करने वाले, ऐसी कोई चीज़ है ना, तो क्वालिटी है ना, कैसे शांति स्थापित करने वाले, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव आपका, आईएनजी एडजेक्टिव, सोर्सेज, सोर्सेज के लिए मतलब स्रोत है उनके लिए, सोर्सेज के लिए। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लगी, चलो कोई ना। द स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन से क्या आया है, स्टेटमेंट आया है ऑपरेशन से, स्टेटमेंट, ऑपरेशन से स्टेटमेंट कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं। केम आर्स आफ्टर, वो आया आर्स आफ्टर, घंटों बाद, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, एट एन इंट्रैक्शन, एक इंट्रैक्शन पर, ठीक है, मतलब एक इंट्रैक्शन हुआ है कोई, इंट्रैक्शन का मतलब अपने क्या बोलेंगे, किसी के साथ अपनी बात करते हैं, बात वगैरह करना, कोई बातचीत वगैरह करना, किसी के संपर्क में आना, तो इंट्रैक्शन पर उन्होंने बोला, स्पोक, स्पोक का मतलब उन्होंने बोला, ठीक है, बिल्कुल सही है। अबाउट इंडियाज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से डायरेक्टली चेक कर दो, पता चल गया अपने को, 1-4 में तो कोई दिक्कत है नहीं, फर्स्ट और फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड थर्ड में रिप्लेसमेंट आएगा, बस बच्चा यही है, इसको या तो ऐसे चेक कर लो, या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 1-4 को आपस में चेक कर लो, क्योंकि ये वाले अपने क्लियर है ना, कि 4 वाला तो सही है, तो इसमें गड़बड़ नहीं है, 1 वाले में नहीं है, तो इनको चेक कर लो। होगा डेवलपमेंट, यहाँ पे अपने बात बोले, सोल्जर्स प्रोजेक्ट नहीं होगा, सोर्सेज प्रोजेक्ट नहीं होगा, ऑपरेशंस प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका सही है। और वैसे भी अपने को पता लग रहा है 1 और 4 यहाँ पे क्या है, फिक्स है, तो आपको चेक किसको करना है, 2-3 को चेक करो एक बार। तो इंडिया क्या नहीं करता, सोल्जर्स को दूसरे देशों में नहीं भेजता, लेकिन पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन है आपके कार्य वगैरह हैं, ऑपरेशंस वगैरह क्या करने के, शांति स्थापित करने वाले, उनके लिए भेजता है, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट आया कहाँ से, सोर्सेज से, सोर्सेज का मतलब स्रोत, अपने बोलते हैं ना, ए सोर्स टोल्ड द TY, एक सोर्स टोल्ड द TY, एक सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कुछ बताया, समझ में आ रही चीज़, एक सोर्स ने बताया, सोर्स का मतलब कोई स्रोत, उसने बताया, समझ में आ रही चीज़। तो स्टेटमेंट आया किससे, सोर्सेज से, जो स्रोत है, सोर्सेज है, जैसे मान लीजिए अपने न्यूज़ वगैरह लेकर आते हैं तो किसी सोर्स से न्यूज़ लेते हैं ना, कोई पर्सन है मतलब वो सोर्स ही एक टाइप का, तो उस तरीके से इसने बोला है, तो मतलब 2-3 में यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आई थिंक ये आपके क्लियर, समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ, बात को पढ़ें, इंडिया ने थर्सडे को दोहराया कि इंडिया क्या नहीं करता, सोल्जर्स को सेंड नहीं करता दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन जो यूएन सपोर्टेड, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सपोर्ट किया गया पीस कीपिंग, शांति स्थापित करने वाले ऑपरेशंस है, उसके लिए भेजता है। द स्टेटमेंट जो है, सोर्सेज से स्टेटमेंट आया कुछ घंटों बाद, किसके घंटों बाद, डोनाल्ड ट्रंप के एक इंट्रैक्शन पर, जो जिस इंट्रैक्शन पर उन्होंने, इंट्रैक्शन लोकेशन बताई, उस पर उन्होंने बोला था अबाउट इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, अफगानिस्तान में इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, वाइल जबकि सजेस्ट करते हुए, ING क्लोज डोनाल्ड ट्रंप का, सजेस्ट करते हुए दैट कि दिल्ली सेंड ट्रूप्स टू द कंट्री, कि दिल्ली क्या करे, कंट्री को क्या करे, कंट्री मतलब अफगानिस्तान में क्या करे, भेजे क्या अपनी, दिल्ली का मतलब इंडिया, भेजे क्या अपनी, भेजे ट्रूप्स का मतलब सेना भेजे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली।
तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, स्पोक डोनाल्ड ट्रंप बोले, किस तरीके से बोले वो, कंसिडरेटली का मतलब मानते हुए बोले, ठीक है, मानना, स्वीकार करना, एडमिट करना। डेराइजिवली का मतलब क्या होगा आपका, मजाक उड़ाते हुए बोले, ये भी सही हो सकता है। तभी तो उन्होंने क्या बोला, इंडिया ने बोला है कि हम सोल्जर ऐसे ऐसे नहीं भेजते, हम सिर्फ पीस कीपिंग के लिए भेजते, उसने मजाक उड़ाई होगी कि वो सेना भी भेजे। बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। उसके ऊपर रिइट्रिएट किया, मतलब दोहराया, दोबारा से बोला किस बात पे, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरेक्शन पर क्या किया था, बोला था कि इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला था, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, और सजेस्ट करते हुए बोले, साथ में सजेस्ट किया, कॉन्ट्रेरी दिए, मतलब कॉन्ट्रेरी इसका मतलब नेगेटिव बात बोली है, साथ में सजेस्ट किया कि इंडिया क्या करे, अपनी सेना ही भेज दे वहाँ पे। तो इंडिया ने क्या बोला कि हम सेना नहीं भेजते इसे, हम सिर्फ यूएन के पीस की शांति स्थापित करने के लिए सेना भेजते, ऐसे नहीं भेजते हम, ठीक है। तो डेराइजिवली बिल्कुल सही है, उपहास या मजाक उड़ाते हुए उन्होंने बोला, ठीक है, ये हो सकता है। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है, जानकार की फॉर्म में, परिचित, मतलब जिसको नॉलेज हो उस फॉर्म में बोला, ठीक है, लेकिन डेराइजिवली ज़्यादा सही है क्योंकि इंडिया ने उत्तर दिया है। वैसे भी आपका ऑप्शन सही है वो, मैं वैसे बता रहा हूँ, ओनली अगर ब्लैंक से देखना है तो आपको, लेकिन देखो यहाँ पे गड़बड़ सी हो रही है ना, सारे सही जा रहे हैं, ब्लैंक से ओनली गड़बड़ हो रही है, कैसे, कंसिडरली, कंसिडर, अब आप ब्लैंक से करके देखो, आप ओनली मान लो ब्लैंक होता है यहाँ पे, उसने क्या बोला, मानते हुए बोला सही जा रहा है, मजाक उड़ाते हुए बोला सही जा रहा है, इंटीमेटली का मतलब जानकार की फॉर्म में बोला बिल्कुल सही जा रहा है कि उसको पता है, एब्रप्टली अचानक से बोला सही जा रहा है, प्रेसिपिटसली अचानक, प्रेसिपिटसली का मतलब भी क्या होता है, अचानक, तो अचानक से बोला ये भी क्या है आपका, सही जा रहा है, सारे के सारे सही जा रहे हैं। अब सर कौन सा सही करें, अब सही करने के लिए अगर मान लो अकेला ब्लैंक होता तो कैसे करते है? आप बात पढ़ो पूरी कि उसने बोला कि जबकि, अब एक दो कॉन्ट्रेरी दी उसने कि इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद बोला है, और जबकि सजेस्ट किया है कि वो क्या करे, सेना भी भेजे, थोड़ी कॉन्ट्रेरी दी है, यहाँ से थोड़ा इंट मिलेगा, और एक उसके बाद भी क्या, इंडिया ने रिट्रेट किया है कि हम ऐसे नहीं भेजते सेना को, हमें ना सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए दूसरे देशों में सेना भेजते हैं। उसने बोला अफगानिस्तान में भेज दो फिर सेना, तो उन्होंने बोला हम ऐसे नहीं भेजते, हमारा इंडिया, दोबारा दोहराई ये बात, इसका मतलब क्या है, मानते हुए बोला तो इंडिया क्यों दोहराता, इंडिया बोलता वो तो इंडिया के सपोर्ट में हो जाता कि मानते हुए बोला। डेराइजिवली का मतलब क्या, मजाक उड़ाते हुए बोला, फिर तो इंडिया को क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, दोबारा से बात दोहरानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इंटीमेटली जानकार की फॉर्म में बोला, तो जानकार की फॉर्म में है तो नॉर्मल वे में है, तो इंडिया को रिट्रेट करने की यहाँ पे क्या जरूरत है। एब्रप्टली अचानक से बोला तो ये ठीक सजा रहा था, और प्रेसिपिटसली भी ठीक सजा रहा, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा सजा रहा था, ड्रेजिवली, क्योंकि जब मजाक उड़ाई जाती है ना, अचानक से बोला तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कंट्री रेस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन मजाक उड़ाते हुए बोला तो कंट्री का रेस्पॉन्स तगड़ा जाएगा, कंट्री बोलेगी हमेशा काम नहीं करते, कब, जब मजाक उड़ाती है, उड़ाया जाता है, मतलब कंट्री पर कटाक्ष किया गया था, ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया था उस वे में, ये क्या है आपका सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अगर डायरेक्ट ब्लैंक होता तो ड्रेजिवली होता। ये अपनों ने क्या किया, ऑप्शन को आपस में लड़ा दिया, तो वैसे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड रिप्लेसमेंट है वो बेस्ट है, उसको आप करो हो जाएगा अपने आप। तो अपना क्या था यहाँ पे, ऑप्शन अपना क्या हो गया, बी, यहाँ पे टिक हो गया। अब कोई ये बोले सर कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई कि सर ये जो सेंड लगा हुआ है ना, ये समझ में नहीं आई कि डेली सिंगुलर सेंड्स होना चाहिए, डज सेंड होना है, डू सेंड क्यों है, समझ में आई चीज, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आई, बताओ फिर, बताओ ये क्यों आया अभी। तो पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे सही है, और बाई चांस मान लो ये यहाँ पे गलत भी होता तो भी आप क्या कर लेते, क्योंकि आप या तो ब्लैंक फिलअप कर सकते हो या वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। एग्जामिनर आपके साथ क्या कर सकता है, गेम खेल सकता है ना, ट्रिक खेल सकता है ना यहाँ पे, क्या कि उसने डेली सिंगुलर है फिर भी उसने डज सेंड नहीं दिया, सेंड्स नहीं दिया, सेंड दे दिया, तो क्या हुआ, आप यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए कि यार ये तो गलत है, डेली के साथ सेंड्स आना चाहिए था, सर ने बताया था कि आपको क्या करना है, वर्किंग चेक करनी है, ठीक है, तो मैंने वर्किंग भी चेक कर ली, लेकिन सर ने तो ये भी बताया था ना कि वर्किंग तो चेक करनी है, लेकिन सर ने ये भी बताया कि सेंस भी यूज़ करना है, दिमाग भी यूज़ करना है वहाँ पे, तो वो चीज़ तो आप कर नहीं रहे, सिर्फ वर्किंग यूज़ कर रहे हो, वर्किंग के साथ सेंस भी तो होना चाहिए ना, तो क्यों, आपको जब पता है, सर ने ये भी बता रखा है कि जब आपको पता है आप यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते तो आप क्या कर लोगे वहाँ पे, आपको एग्जाम में ऑप्शन टिक करना है, तो आपको सर ने बोला हुआ है कि एग्जाम में आपको देखना है कि आपको करना क्या है, तो आप अपना काम ही करो, दूसरा काम मत करो कुछ भी, समझ में आ रही है ना बात वहाँ पे। तो यहाँ सेंड वाला चाहे गलत है चाहे सही है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मीनिंग लेना है, क्योंकि अपना काम क्या है, या तो वर्ड को रिप्लेस करना या अपना काम है ब्लैंक को फिल करना, वहाँ पे गड़बड़ है तो आप करो उसके अकॉर्डिंग टिक, समझ में आई चीज़, तो इस तरीके से करना है। लेकिन ये यहाँ पे गलत भी नहीं है, ये वही आ गया आपका थीम केस, इंस्ट्रक्शन केस, जैसे मैंने आपको बताया था, यू क्लोज द डोर, ठीक है, यू क्लोज द डोर, जेनिफर शट द विंडो, जेनिफर को बोला कि विंडो बंद कर दो, इंस्ट्रक्शन केस है, तो क्या बोला उसने, उसने वो ऐसे नहीं बोला कि इंडिया भेजता है, डेली भेजती है तब होता आपका सेंस, इसने बोला इंडिया भेजे, इंडिया अपनी सेना को वहाँ भेजे,
ये बात उसने बोली है, उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, समझ में आया, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में बोला है कि इंडिया क्या करे, अपनी सेना भेजे, ना कि रेगुलर वे में भेजती है, ऐसे कुछ नहीं बोला, ना कि भेजेगी, विल भी नहीं आएगा, ना कि भेजा था ये भी नहीं बोला था, डिड भी नहीं आएगा, उसने क्या बोला, इंडिया अपनी सेना भेजे, इंस्ट्रक्शन दिया उसने, बोला कि क्या बोला कि जेनिफर विंडो क्लोज करो, जेनिफर शट द विंडो, जेनिफर विंडो बंद करो, जेनिफर शट द विंडो, आप दरवाज़ा बंद करो, यू क्लोज द डोर, ये ऑर्डर दिया है मैंने, समझ में आ रही चीज़, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में आएगा, तो ये थीम केस आपका आई थिंक और क्लियर हो गया होगा, एक वर्किंग वापस से पीछे भी अपनों ने इसको चेक किया था, तो ये क्या है आपका थीम केस होता है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट वाला सेंटेंस का, सेंटेंस में ऐसे भी सेंटेंसेज आते हैं एक और फॉर्म है सेंटेंस की, समझ में आई चीज़, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लोज्ड, सुप्रीम कोर्ट क्लोज कर चुका है, बिल्कुल सही है, हैज़ के बाद में वी थ्री आएगा, अब यहाँ पे चेक कर लो कि भाई कोई और वी थ्री वाला है क्या, फर्स्ट वाला किसी में आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे 1, 4, 1, 3 और 1, 2 है, तो इतने अपने गलत हो जाएंगे अगर फर्स्ट पे ओनली वो आएगा, हैज़ के बाद में वी थ्री आएगा, हैज़ रिक्वेस्ट ये भी आ सकता भाई, नहीं कर सकते क्योंकि वी थ्री जरूरी नहीं आएगा, क्योंकि उसके सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रिक्वेस्ट थी, वो भी तो हो सकता है ना, नाउन भी तो हो सकता है, छोड़ो छोड़ो अब इसको चेक नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, अपने वापस से क्या करते हैं इसको क्लियर करते हैं, क्लियर हुई ना चीज़ आपके, जैसे मैंने आपके माइंड में क्या चलेगा, हैज के बाद में वी थ्री आएगा, तो आप वी थ्री चेक करो, क्यों हैज के बाद में वी वन तो नहीं आएगा, हैज के बाद में नाउन नहीं आ सकता क्या, क्योंकि हैज खुद हैव खुद एक मेन एक्शन की तरह, आई हैव ए कार, ही हैज ए कार, तो हो गया ना नाउन, खुद मेन एक्शन की तरह, जब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो तब तो वी थ्री आएगा, 100% वी थ्री आएगा, लेकिन यहाँ एलिमेंट ऑफ परफेक्शन जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है मेन एक्शन हो, ये चीज़ आपको क्लियर है, ये चीज़ मैंने आपको करवा रखी है, हैज की दो वर्किंग है, हैव की दो वर्किंग होती है क्या, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन और दूसरा क्या होता है मेन एक्शन, समझ रहे चीज़, एक मेन एक्शन होता है और एक क्या होता है एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की फॉर्म में आता है तब वी थ्री लेता है, तो ये तो छोड़ो बात ही पढ़नी पड़ेगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लोज्ड, क्लोज कर चुका है एक रिक्वेस्ट, ए रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर चुका है, रिक्वेस्ट को क्लोज कर चुका है, मतलब किसी ने रिक्वेस्ट की उसको क्लोज कर चुका है, फॉर एन अर्जेंट हियरिंग, जो रिक्वेस्ट थी किसके लिए, एक अर्जेंट जरूरी हियरिंग सुनवाई के लिए, ऑफ ए प्ली किसकी, एक याचिका की, फॉर के लिए पता नहीं किसके लिए, वो बात आएगी बीच में, ऑफ कोर्ट एक्शन, कोर्ट एक्शन की अगेंस्ट द सबरीमाला प्रिस्ट, किसके खिलाफ है, सबरीमाला प्रिस्ट के खिलाफ एक रिपोर्ट, वो प्ली याचिका आई थी, किसके खिलाफ आई थी, सबरीमाला के जो पुजारी था उसके खिलाफ सबरीमाला वाला केस आया है, हु डिक्लाइंड, जिसने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया द सेंक्टम सेंक्टोरम, सेंक्टम सेंक्टोरम को, सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब होता है पवित्र स्थान, मतलब मंदिर, मंदिर को मना कर दिया है, मंदिर को मना, डिक्लाइन द मंदिर मतलब टेम्पल है, डिक्लाइन द टेम्पल, जो सेंक्टम सेंक्टोरम है, टू कंडक्ट, क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए प्योरिफिकेशन राइट्स, प्योरिफिकेशन राइट्स का मतलब शुद्धिकरण वाले जो रिवाज राइट्स का मतलब कोई क्रिया, उसको करने के लिए उसने मंदिर को मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, कम कर दिया मंदिर को, गड़बड़ सी हो रही है ना, तो एक बार आप चेक करना इसको किसके साथ चेक करें, एक बार वन के साथ चेक करो, ठीक है, हु रिक्वेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि हु रिक्वेस्ट होता तो रिक्वेस्ट होना, डज रिक्वेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि पृष्ठ क्या है, सिंगुलर है, उसी के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पृष्ठ सिंगुलर है तो रिक्वेस्ट से होना चाहिए था, मतलब डज रिक्वेस्ट होना चाहिए था, तो 1-3 को चेक करना, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लाइंड ए रिक्वेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया किसको, रिक्वेस्ट को, जो याचिका सुनने की जो रिक्वेस्ट थी उसको मना कर दिया, बिल्कुल सही है, और सबरीमाला के पृष्ठ ने क्या कर दिया, मंदिर को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल सही है, हो गया आई थिंक क्लियर, ठीक है, एक लास्ट में एंटर्ड बचा है उसको और चेक कर लो यहाँ पे डिक्लाइन वाले, क्योंकि दिक्कत क्या है, 3 में ही आ रही है, 3 में कितने, 2-3 है, 2-3 तो होगा नहीं, अपने चेक कर लिया 1-3, 3-4 है ही नहीं, टिक कर दो, ऑप्शन अपना टिक हो गया, आंसर क्लिक हो गया, देखो सेंटेंस थोड़ा क्या है लेवल का है, फिर भी वर्किंग से क्या हो गया और सेंस से क्या हुआ अपना ट्रिक के साथ, जो शॉर्ट ट्रिक अपनी उसके साथ क्या हुआ, आंसर टिक हो चुका है बिना सेंटेंस पढ़े, समझ में आ रही है चीज़, इस तरीके से करता है एग्जाम में, अगर आपके वर्किंग क्लियर है, सेंस क्लियर है, आपको चीज़ें ट्रिक यूज़ करनी आती है, मतलब ट्रिक आप बना सकते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, डायरेक्ट आपका टिक हो गया, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, मेंस का क्वेश्चन होते हुए भी अपना टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और आंसर भी सही गया, और ना ही अपनों ने सेंटेंस पूरा पढ़ा, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ वहां पे, समझ में आ रही चीज़, 1-3 अपना क्या हो गया यहाँ पे क्लिक हो गया, समझ में आई चीज़, तो ये अपना क्या हो गया 1-3 यहाँ पे आंसर क्लिक हो गया, आप क्या करो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एग्जाम में जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी नहीं जाना, अभी तो सॉल्यूशन देखना, बातें होगी यहाँ पे, तो शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लाइंड ए रिक्वेस्ट, मिल चुका है अपने को, रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, फॉर एन अर्जेंट हियरिंग ऑफ ए प्ली, प्ली याचिका का, फॉर पता नहीं किसके, ऑफ कोर्ट एक्शन, कोर्ट एक्शन का, अब देखना है
कोर्ट एक्शन की कोई चीज़ है उसके लिए याचिका थी। कोर्ट एक्शन कोर्ट का जो एक्शन था, कोर्ट ने कोई अगेंस्ट द सबरीमाला प्रिस्ट, सबरीमाला प्रिस्ट के खिलाफ जो एक्शन था उसका पता नहीं क्या, उसके लिए याचिका थी। उसका क्या वैनैलिटी, वैनैलिटी का मतलब क्या, डायरेक्ट अगर वोकैब से देखना हो, वैसे तो आपका ये होगा ऑब्लिक, सबसे पहले ऑब्लिक्वी देखते हैं अपने, ऑब्लिक्वी देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है, पब्लिक वे में किसी की क्या करना, बेइज्जती करना, अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट करना पब्लिकली, पब्लिक वे में क्या करना, किसी का अपमान करना। तो क्या हुआ, कोर्ट एक्शन सबरीमाला प्रिस्ट के खिलाफ जो कोर्ट एक्शन था उसके अपमान के लिए याचिका दी थी, कि कोर्ट के एक्शन का क्या हुआ, अपमान हुआ, उसके लिए याचिका दी गई। उस याचिका के लिए जो रिक्वेस्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, अपमान हो सकता है, कोर्ट का अपमान था इसलिए किसी ने याचिका लगाई होगी। ठीक है, सही जा रहे हैं, सही जाहिर है क्योंकि वैसे भी ऑप्शन है। अब आपको डायरेक्ट देखना हो कि सर ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो सही जाएगा। डायरेक्ट वोकैब से देखना हो तो वैनैलिटी का मतलब होता है बिकाऊपन, कोर्ट के एक्शन का जो बिकाऊपन था, कोर्ट का जो, कोर्ट ने जो एक्शन लिया था उसका बिकाऊ थोड़ी होगा, वो गलत हो गया। गौल का मतलब क्या होता है, घृणा, कोर्ट के एक्शन की जो घृणा थी या किसी को गुस्सा दिलाना, कोर्ट के एक्शन की गुस्सा दिलाना या कोर्ट के एक्शन को की घृणा, नफरत तो नहीं होगी। कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी का मतलब क्या होगा आपका, कोर्ट के एक्शन की दोष, कोर्ट ने जो एक्शन दिया उसका दोष था, मतलब वो गिल्ट था, कोर्ट का एक्शन, कोर्ट जो कार्रवाई करेगा उसका दोष थोड़ी होगा, गड़बड़ होगी, मतलब कोर्ट गलत हो गया। परफिडी का मतलब क्या हो गया, परफिडी का मतलब अपने बोल दें तो यहाँ पे होता है अपने बिट्रे करना, परफिडी का मतलब बिट्रे, कोर्ट के एक्शन का धोखा, कोर्ट के एक्शन का क्या है, धोखा, कोर्ट के एक्शन को धोखा किया गया, तो धोखा तो ये भी अपना क्या है, सही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, मीनिंग से भी क्या जा रहा है आपका, डी ऑप्शन ही जा रहा है। लेकिन अपने को कल्पेबिलिटी का मीनिंग ना आता हो, ठीक है, वैसे कल्प आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गिल्ट, ठीक है, जैसे कल्प्रिट हो गया, दोषी हो गया, इनका कल्पेबल का मतलब किसी को दोष में इन्वॉल्व करना, एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, किसी को दोष से बाहर निकालना, ठीक है। इस तरीके से अपने बात करें तो कल्प का मीनिंग होता है क्या, रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गिल्ट, ठीक है। तो वहाँ से अगर अपने को वोकैब नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड रिप्लेसमेंट से ही अपना हो चुका है। अब बात पढ़ लेते हैं, बात क्या बोलना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया फॉर एन अर्जेंट हियरिंग, जरूरी हियरिंग थी एक याचिका की, फॉर कोर्ट एक्शन अगेंस्ट द सबरीमाला प्रिस्ट, सबरीमाला प्रिस्ट के खिलाफ जो कोर्ट एक्शन था उसका अपमान किया गया, मतलब कोर्ट के एक्शन को नहीं माना गया, बिल्कुल सही बात है। प्रिस्ट जिसने क्या किया, हु क्या आएगा यहाँ, क्लोज था ना, हु क्लोज द सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसने मंदिर को क्लोज किया क्या करने के लिए, टू कंडक्ट प्योरिफिकेशन राइट्स, मतलब प्योरिफिकेशन मतलब उसको प्योर करने के लिए, कि शुद्धिकरण करने के लिए मंदिर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इमीडिएटली तुरंत आफ्टर बाद, किसके तुरंत बाद, टू वुमेन एंटर द टेम्पल, टू वुमेन ने क्या किया, टेम्पल में एंटर किया, उसके बाद में उसको क्या किया गया, प्योर किया गया। फर्स्ट पे अपनों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, इसी से रिलेटेड था। तो मतलब क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, आदेश दिया था कि वुमेन एंटर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्या किया गया, माना नहीं वहाँ के लोगों ने, ये चीज़ हुई थी, सभी लोग क्या हुए थे, प्रोटेस्ट करने लग गए थे, बिल्कुल गलत बात है वहाँ की। और ये देखो इसने क्या बोला यहाँ पे, कि दो वुमेन ने क्या किया, एंटर कर दिया था ना, टेंपल के अंदर चली गई थी, तो जो वहाँ का जो पुजारी था ना, उसने मंदिर को बंद कर दिया क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए, कि मंदिर क्या हो चुका है, अपवित्र हो चुका है, ये बात उस पुजारी ने, देखो कितनी छोटी सोच है उस बेवकूफ़ की, सोचने वाली बात है ना, बेवकूफ़ की क्या, उस बेवकूफ़ की क्या, सभी की थी वहाँ के लोगों की, समझ में आ रही है चीज़, कैसे कि वुमेन के एंटर होते ही मंदिर क्या हो गया आपका, इम्प्योर हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, उस बंदे से, उस गधे से एक बात पूछने वाली है, कि एक बात बता मुझे कि तू कहाँ से आया है, तुझे किसने पैदा किया, एक वुमेन ने पैदा किया था ना, जब तू किसी वुमेन से पैदा हुआ है फिर मतलब तेरे जितना इम्प्योर तो कोई और हो ही नहीं सकता, फिर मर जा, अभी मर जा यहाँ पे, क्योंकि इम्प्योर है तू, तो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। उसके बाद में अपनी जो मदर होती है, माँ होती है, उसके पास तू बचपन से रहा, उसने पाला पोसा है तुझे, फिर इसका मतलब क्या है, तू तो सबसे बड़ा इम्प्योर है, सबसे ज़्यादा अशुद्ध कौन है, तू खुद है, मंदिर को क्या बंद कर रहा है, पहले खुद को ख़त्म करना, इसका मतलब क्या, तू मंदिर के अंदर क्यों जा रहा है, तू तो सबसे ज़्यादा इम्प्योर है। अगर वुमेन आपकी इम्प्योर है, औरत अगर क्या है, अशुद्ध है, उसको अशुद्ध मान रहे हो आप, कितनी घटिया सोच है ना, अपनी माँ को अशुद्ध मान रहे हो आप, सोचने वाली बात है ना, मंदिर में उसको क्या नहीं करने दे रहे, एंट्री नहीं करने दे रहे, कि वुमेन मंदिर में नहीं जा सकती। अपने समाज में बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे वुमेन को एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन बहुत गलत चीज़ है ना ये, वुमेन तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मान लीजिए सबकी माँ होती है, वो तो भगवान की भी माँ होती है, उसको आप एंट्री नहीं दे रहे, शाबाश, यही चीज़ें थी, इसीलिए तो आजकल ये चीज़ें चलती है, माँ बाप को कोई पूछता नहीं है कुछ भी,
समझ में आ रही है ना बात, कितनी घटिया सोच। एक बार आप खुद से सोच कर देखना इस बात को, एक बार इमेजिन करके देखना, खुद पर लेकर देखना इस बात को, माइंड में इमेजिन करके देखना कि कितनी घटिया सोच थी केरला की। इतना एजुकेटेड स्टेट होते हुए सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है, और काम देखो उनके, काम उनके कैसे है, बिल्कुल घटिया काम। सोच देखो उनकी, इससे अच्छी तो किसी अनपढ़ इंसान की होती है सोच। समझ में आ रही है ना बात, मतलब वुमेन के एंट्री करते ही मंदिर आपका इंप्योर हो गया, कुछ भी अक्ल नहीं है, मतलब बोलने से पहले कुछ सोचा ही नहीं उस बंदे ने। सोच कर देख तू कहाँ से आया, ये चीज़ सोचने वाली है ना। तो मतलब कितनी घटिया सोच है, इतनी एजुकेटेड स्टेट होते हुए, इतने एजुकेटेड लोग होते हुए उनकी सोच देखो, मतलब ऐसे बिल्कुल शर्मिंदा सा महसूस होता है उनको सोच कर कि अपनी कंट्री के लोग हैं ये। समझ गया ना बात, बहुत ही घटिया सोच है। चलो छोड़ो, अपने क्या करना है, अपने ऐसे नहीं है बस, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऐसा काम नहीं करते और अपने सुधारेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपके ये क्या हो गया, आई थिंक ये क्लियर होगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से करना था ये पैटर्न आपका। वैसे पूछा हुआ तो नहीं है अभी तक एग्जाम में, लेकिन आपको पता है एग्जाम में क्या करते हैं, आगे से आगे क्या किए जाते हैं, पैटर्न चेंज किए जाते हैं। ठीक है, हर बार पैटर्न चेंज, ये मैंने खुद से पैटर्न रखा है कि बाई चांस ऐसा ही पैटर्न आ सकता है तो आ सकता है ऐसा पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैटर्न को मिक्स करके पूछते हैं। तो यहाँ पे वर्ड रिप्लेसमेंट वाला पूछा जा चुका है, वैसे भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछते भी हैं, और फिलर वाला तो पूछा ही जाता है। तो इन दोनों को मिक्स करके एक मैंने नया पैटर्न तैयार कर दिया आपको, ये देखने के लिए कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, कि नया पैटर्न देने पे आप कन्फ्यूज़ होते हो नहीं होते। हालांकि जो नया पैटर्न आया वो है क्या, पहले वाले से भी ईजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पैटर्न में से कोई भी सेट हो जाए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीज़, तो ये वाला केस है, वहाँ पे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, तो इसलिए ये पैटर्न मैंने रखा था। तो इस पैटर्न को आप बार बार रिवाइज कर देना और चेक करना कैसे पैटर्न बनते हैं, आप खुद से पैटर्न तैयार कर सकते हो। रीडिंग वगैरह आपकी अच्छी होगी, न्यूज़पेपर से पैटर्न तैयार होते हैं, ठीक है, तो आप खुद से भी क्या कर सकते हो, पैटर्न तैयार कर सकते हो कि इन दोनों को मिक्स करके मैं पैटर्न बना लूँ। अब जब खुद से आप पैटर्न तैयार करने लगे, इसका मतलब आपका लेवल बहुत हाई चला जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में तो आपके मार्क्स बहुत शानदार वाले आएंगे। समझ में आई चीज़, तो ये पैटर्न आप रिवाइज करके देख लेना किस तरीके से ये पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, नए नए टाइप के पैटर्न जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक आपको सभी को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अंधकार में चलने के लिए हमें इस दीपक पुंज की सहायता की आवश्यकता होती है। यद्यपि ये दीपक पुंज अंधकार को पूर्ण रूप से मिटा नहीं सकता, परंतु हमें इतना प्रकाश अवश्य दे देता है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार जीवन में भी कभी कभी कोई समस्या इस अंधकार की भांति ही विशाल और जटिल होती है, जिसे एक ही प्रयास में पूर्ण रूप से मिटा सकना संभव नहीं होता। ऐसे में आवश्यकता होती है इस दीपक पुंज को जलाने जैसे एक छोटे से प्रयास की, जो हमें जीवन पथ पर तब तक आगे चलने में सहायता करता है जब तक वो समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो जाती। नीतियां मेरी, नियति आपकी।